एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, फ्री होके घर के सभी कामों से। तो मैं सबसे पहले अपने फेस के लिए फेस मास्क बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है थोड़ा सा कॉफ़ी, और इसके अंदर चीनी जो होती है वो मिलाई है, और थोड़ा सा पानी मिलाया है। अभी ये मुझे पेस्ट थोड़ा पतला लग रहा है, थोड़ी सी कॉफ़ी इसमें और मिला लूँगी। देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं दलगोना कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन नहीं, ये मास्क जो होता है ना फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके फेस पे टैनिंग है ना तो बहुत काम की चीज़ है ये। तो बस आप इसकी जगह, मैंने तो वैसे ही चीनी मिलाई, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं। ये पेस्ट अपने फेस पर लगाऊंगी मैं ना। वैसे गर्मियों में कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है, और सर्दियों में भी नहीं है, वैसे मैं कम ही पीती हूँ। और विवेक को पसंद है, विवेक पी लेते हैं। तो मैंने अभी विवेक से जैसे पूछा, मैंने कहा विवेक मुझे ना कॉफ़ी चाहिए, तो विवेक ने बताया कहाँ रखी है, क्योंकि उन्हीं को पता होता है। तो मैंने जब पूछा ना कि मैंने कहा विवेक कॉफ़ी कहाँ रखी हुई है, तो विवेक ने बड़ा सोच के बताया, मुझे एकदम से नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ मैं कॉफ़ी किस लिए यूज़ कर रही होंगी, तो तुरंत वो क्या पता क्या बोले, वही मुँह पर लगानी होगी और क्यों, कॉफ़ी तुम पीती तो हो नहीं। क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें ना अपने फेस पर ही लगाती हूँ, टिंडा बोल रही हूँ, खीरा, टमाटर, जो भी कुछ होता है ना, अगर थोड़ा बहुत बच जाए या थोड़ा सा कट करके, आलू वगैरह, सब कुछ अपने फेस पे, सब्जियों में से निकाल निकाल के ना एक बार, तो मतलब 2-3 दिन में एक बार तो रब कर ही लेती हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई रूटीन नहीं है स्किन का केयर वाला। बस इसको ऐसे ही 10 मिनट तक के लिए अपने फेस पे छोड़ना है, और फिर इसके बाद सिंपल फेस वॉश कर लेना। थोड़ा सा स्क्रब जरूर कर लो, इससे क्या होता है कि जितनी भी डेड स्किन है वो हट जाती है, और इससे गंदगी बहुत होती है, ये टपकता रहता है और नीचे इधर उधर गिरता रहता है। फेस की तो सफाई कर देता है, लेकिन फ्लोर पे गंदगी कर देता है। हो गया ना एकदम साफ फेस, और मेरे कपड़े भी भीग गए। जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ ना, ऐसे ही जोर शोर से करती हूँ, कपड़े सारे भिगा लेती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं और उसी से इतना अच्छा हो जाता है फेस। पहले भी लग रही थी बंदर, अब हो गई हूँ मैं सुंदर। मेकअप करके अच्छी सी हो गई है शक्ल। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप अपने बालों की केयर कैसे करते हो, तो केयर कुछ नहीं है, वो तो थोड़े से शैम्पू होते हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने केराटीन करा रखा है, तो इस वजह से बाल इतने अच्छे लगते हैं, वरना नॉर्मल से बाल हैं, बहुत अच्छे बाल नहीं हैं। यहाँ पर मसाला भिंडी फ्राई मैं बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए जो भिंडी थी इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसको बीच में से मैंने स्लिट कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं इसके लिए मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है धनिया पाउडर, और इसके अंदर फिर मैं मिलाऊँगी गरम मसाला, और साथ में आमचूर पाउडर डालूँगी इसके अंदर, और लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी डाली, आप चाहें तो जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा मैंने अदरक का पाउडर जो होता है, सौंठ बोलते हैं जिसको, वो भी मैंने इसमें डाला, और नमक डाला, और इसके अंदर मैं तेल मिला लूँगी। तेल इसलिए ताकि जब मैं मसाला भरूँ तो वो इधर उधर ना बिखरे। तो तेल अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, और मैं इसके अंदर मिलाऊँगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो एक एक करके सभी भिंडियों में ये मसाला मैं भर दूँगी, अगर कम लगेगा तो दोबारा मसाला बना लूँगी। तो बस छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन भिंडी सच में कम मेहनत में बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। मसाला मैंने सभी भिंडियों में भर लिया था, तो मैंने ये एक फ्लैट सरफेस वाला पैन लिया है, इसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो एक एक करके सभी भिंडियों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये फ्लैट सरफेस के कारण सारी भिंडियाँ एक ही बारी में पूरा का पूरा जो पैन है उसके अंदर आ गई थी, और बस फिर इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक उलटते पलटते हुए पका लिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। Thank you.
भिंडी तो बन गई है और अब मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ तीन दालें मैंने ली हैं, मिक्स दाल है ये। मूंग की दाल है धुली हुई और मसूर की धुली हुई दाल है और साथ में अरहर दाल है। इन तीनों को मैंने धोकर अच्छे से अब कुकर में चढ़ा दिया। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग डाल के इसको बॉईल कर दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन चलिए, मैं बना रही थी तो पूरा दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। वैसे तो हर घर में अलग अलग तरीके होते हैं दाल को बनाने के भी, तो मेरा कुछ शायद अलग हो, इसीलिए कुछ लोग इसको घी में भी तड़का देते हैं, मैं तो खैर तेल में दे रही हूँ। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, गर्म हो गया तो इसमें ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन है जिसको मैंने क्रश कर लिया था वो इसमें डाल दिया है, उसको भूनूंगी, फिर प्याज इसके अंदर ऐड कर दूंगी। प्याज को भी थोड़ी देर तक भून लूंगी। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और फिर उसको भून लूंगी थोड़ी देर, और फिर इसके अंदर चॉप्ड टमाटोज़ हैं वो इसमें डाल दूंगी, और फिर इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर दाल को तड़का दे दूंगी, और ऊपर से गार्निश करूंगी हरी धनिया की पत्तियों से। बहुत ही सिंपल है दाल बनाने का प्रोसेस, लेकिन दाल भी बहुत स्वाद लगती है कभी कभी अगर खाई जाए तो। डेली में तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो बहुत ही अच्छी लगती है। एक सूखी सब्ज़ी हो साथ में दाल हो तो मज़ा आ जाता है। मैं ये गाना देख रही हूँ, मतलब बहुत सालों बाद मैंने कभी ये जो गाना है बहारो फूल बरसाओ, मतलब जब मैं कभी छोटी होती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ही देखा है अपने। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसे कलर टीवी में अपने घर में देखा होगा। हाँ, गाना मैं ये सुनती रहती थी रेडियो पे, लेकिन अब मैंने नोटिस किया ये कितना कलरफुल गाना है, कितना अच्छा है। अब आप सोचते होंगे कि सारा दिन ये मूवी की, फिल्मों की, इन सब चीज़ों की बातें करती रहती है, लेकिन कुछ और है भी तो नहीं अब लाइफ में। खाना बनाओ, घर का काम करो, बच्चे के साथ खेलो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, और थोड़ा सा अपने लिए टाइम जो है उसमें अपने गाने वगैरह जो आपके फेवरेट है वो देख लो। और ये रहा मेरा लंच, तवीशी को मैंने दे दिया है और आधा तो मैं खा भी चुकी हूँ अभी टीवी ऑन करते करते ही। बहुत अच्छी बनी है भिंडी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ेदार। और विवेक ने अभी नहीं खाया क्योंकि विवेक का अभी काम है, तवीशी को मैंने पहले ही दे दिया था, मैंने कहा वो गरम गरम खा लेगी। और इसमें जो मैंने आमचूर डाला है ना, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, इसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। म्यूट करके देखना पड़ रहा है ये गाना क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ ना, अगर इसका आवाज़ कर दूंगी ना तो फिर मेरे इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर लंच करने के बाद, किचन की साफ़ सफाई करने के बाद, और अब सबसे लास्ट वाला जो काम है ना, ये है कपड़ों को सुखाने का। तो बस मशीन में मैं लगा देती हूँ, जैसे ही सभी कामों से फ्री हो जाती हूँ ना तो बस उसके बाद ये कपड़े जो होते हैं धूप में डाल देती हूँ। धूप भी तेज़ है तो फटाफट सूख जाते हैं। ये देखिए हमारी सोसाइटी के बाहर का नज़ारा, एकदम सुनसान। बाहर से बहुत तेज लाइट आ रही थी इसलिए बंद किया है अभी यहाँ से ना, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक मिनट, अभी फ़ोन है, थोड़ी देर बाद बात करती। अभी हमारे घर के पास ही एक सोसाइटी है, वहाँ पर भी ना कोरोना के दो पेशेंट, हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर हैं,
तो वो पॉजिटिव मिले हैं। और ना वो हमारे बहुत ही पास है, मतलब 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, और वहां पर वो पूरी सोसाइटी सील कर दी गई है। और अब हमारा भी, क्योंकि हम 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, तो हमारे भी रोड जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ब्लॉक कर दी गई है। मतलब कि हम उस रेडियस में हैं, वो सेंटर है जो वो सोसाइटी है और उसके आसपास है ना, तो हम लोगों को भी मतलब थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा गया है कि वहां ना जाए। वो वाली रोड तो जो वो सोसाइटी वाली है वो तो पूरी ब्लॉक हो गई, लेकिन हम लोगों को भी मतलब अलग रास्ता हम लोग लेकर जाए तो उस चीज का ध्यान रखा गया है। तो आसपास का भी सब हम लोगों के जहां जहां भी है ना, ये वाला मोड़ हो गया और दूसरी साइड वाला मोड़ हो गया रोड का, वो भी सब ब्लॉक कर दिया गया है, तो ताकि कम से कम लोग भीड़ बनाए, कम से कम लोग वहां से जाए। ये सब ऐसे देखते हैं ना तो बहुत डर लगता है, घबराहट शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज ना पास आती जा रही है और कितना ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बस अब आजकल के हालात ही ऐसे हैं, कोई क्या कर सकता है। और एक ना रैकेट के बारे में भी आपने मेरे से पूछा था ना कि रैकेट जो है वो काम का है या नहीं है मच्छरों वाला। हाँ बहुत काम का है, बहुत ही काम का है, मतलब ऑल आउट वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं करते, इतने खतरनाक मच्छर है वो, तो मतलब ना आदमी को उठा के ले जाए अगर आप सो रहे हो तो। तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला रैकेट जो होता है ना चलाने वाला, वो मंगा सकते हैं, वो बहुत ही काम का है। और आप उसको मतलब जैसे ही रूम में आप आते हैं तो वो जो मच्छर दिख रहे होते हैं ना आपको 2-4, उन पर वो मार दो, चट 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 करके मच्छर मर जाते हैं और फिर आप आराम से सो सकते हो। ऑल आउट तो हम लोगों ने कितना लगा लगा कर देख लिया, कोई फायदा नहीं होता, फायदा सिर्फ उसी रैकेट का ही होता है। एक मिनट मैं आपको रैकेट दिखा भी दूं, कहीं आप पूछो, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को शायद ये लगे कि पता नहीं किस रैकेट की बात कर रही हूं। एक मिनट, ये वाला रैकेट दिखाया था मैंने पिछले शायद व्लॉग में ना, तो इसी के बारे में पूछा गया था। दिखाया नहीं था, मतलब मैंने मंगाने की सोची थी, मिला तो है नहीं ये, तो ये पुराने वाला ही है, ऑनलाइन जो मंगाया था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन ये तो है ही मेरे पास पुराना। तो थोड़ा थोड़ा तो काम ये करता है, कभी कभी इसको पता नहीं क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये वाला रैकेट बहुत काम के है, इन्हीं से ही मच्छर बिल्कुल मारे जाते हैं बढ़िया तरीके से, बाकी और किसी से नहीं। चट 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 चट, और स्मेल भी बहुत आती है, जैसे मच्छर मारते हैं ना, मच्छर के मारने के अगर 8-10 मच्छर मार दो ना तो अजीब सी जलने वाली स्मेल आ जाती है। यही है एक सबसे ज्यादा अच्छा हथियार जिसे आप यूज कर सकते हैं। और मेरा ये जो टॉप है ना, आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये ना मुझे शिखा ने दिया था। तो ज्यादातर जो कपड़े होते हैं ना, शिखाई मेरे लिए शॉपिंग करती है और वही मुझे देती है। ये मैं पहले बहुत पहले पहना करती थी, फिर मैंने इसको पहनना छोड़ दिया था, लेकिन आजकल अब क्या करें, घर पे हैं, दिल को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, तो ये मैंने आज पहन लिया है। और अच्छा है ये, लूज लूज सा, लेकिन देखो एक काम करते करते एक स्लीव ऐसी है और एक स्लीव ऐसी है, और मैं जब से ऐसे ही घूम रही हूँ और सारा मेरे शायद मेरा ब्लॉग भी ऐसे ही बन गया होगा। चलिए अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। रेसिपी जो है भिंडी वाली आप बनाते ही होंगे, अगर नहीं बनाई है तो इस तरीके से भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।